शिव आज ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उदित हुआ है विश्व गगन में ज्ञान सूर्य शिव आज ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति। जनवरी मास शांति मास है और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिन 18 जनवरी तक हम सभी ब्रह्मावश्य बहुत ही अंतर्मुखता की गहराई में गुफा में बैठ करके अपनी तपस्या करते रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हम सभी के लिए एक रोल मॉडल हैं, आइडियल एग्जाम्पल है, जिनको सामने रखकर हम अपना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, और बस इस कदमों को ही हम फॉलो करते रहेंगे तो फॉलो फादर करते करते सन शोष फादर हो जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, पहला उनका कदम था बेफिक्र बादशाह। बाबा जैसे कि 1936 में परमपिता परमात्मा के माध्यम बने, तभी से लेकर अंत तक कभी भी ब्रह्मा बाबा के मन में संशय नहीं आया, निश्चय बुद्धि विजयंती बनकर के रहे, इसलिए निश्चिंत रहे। और जो भी निश्चिंत रहता है, चिंता से फारिग रहता है, तो अर्थात वो बेफिक्र बादशाह बन जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, 4 साल का है, और उसको पापा अपने गोद में लेते हैं और थोड़ा सा रोता है तो पापा क्या करते हैं, खड़े होकर के उस बच्चे को हवा में उठाते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। जैसे वो हवा में उड़ता है तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, उसको ये 100% गारंटी है कि मेरे पापा हैं और मेरे पापा मुझे कोई भी प्रकार का दुख नहीं दे सकते हैं, चिंता नहीं दे सकते हैं। तो उसको इतना निश्चय होता, तो इसी आधार से वो भले वो ऊपर आकाश में उड़ता है, उछलता रहता है, खुश होता रहता है, हंसता रहता है। इस तरह से ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आईं, कठिनाइयां आईं, लेकिन फिर भी समस्या को उन्होंने सामोसा बनाया। उसको देखने का, समस्या की तरफ देखने का उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। वो कहते थे कि ये पेपर है, इस पेपर में मुझे पास होना है। तो इस तरह से कोई हमें पूछेगा भी कि आप कैसे हो, क्या हो, तो भी हम इतना ही कहेंगे परवाह थी हमें पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, अभी वो हमें मिला है तो अभी किस बात की चिंता है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी बेफिक्र बादशाह, इसका मतलब कि कोई भी प्रकार की कल की कोई चिंता नहीं है। आज हम कर्म अपना इतना अच्छा करें कि कल 100% हमारा अच्छा ही होगा और ही अच्छा होगा, क्योंकि उसका बेस है आज। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपनी लाइफ में बस इतना ही कहा कि बच्चे अपने पुरुषार्थ की फिक्र करो, आप मुझे अच्छा पद पाना है, सतयुग में अच्छा नंबर लेना है और अच्छे पद से पास विद ऑनर होना है मुझे, तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्र रहनी चाहिए। तो अपने आप के पुरुषार्थ पर हम अटेंशन रखते चलेंगे और अच्छी तरह से आज बाबा का जो पहला कदम हमने लिया, बेफिक्र बादशाह होकर के रहेंगे। परमात्मा शिव बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे कभी भी किसी चिंता में, दुख में ना हो,
जो शान में रहता है, जो ऊंचे शान में रहता है, वो कभी भी परेशान नहीं होता है। तो इस तरह से हम ब्राह्मण कुलभूषण है, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, अर्थात हमारे हर कर्म ब्राह्मण अर्थात शुद्ध है, स्वच्छ है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आइए हम सभी अपने अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते हुए बेफिक्र बादशाह बने। ओम शांति।